अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राशिद मिनाज और आप देख रहे हैं ऑटोमेशन स्पॉट। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सीमाटिक OP17 के ज़रिए हम किस तरीके से अपलोड एंड रिस्टोर करते हैं। अब हम इसमें से बैकअप निकालेंगे और इसमें दोबारा डाउनलोड भी करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ केबिल कौन सा हमें रिक्वायर्ड होगा। केबिल हमें मैनुअल बनाना पड़ेगा और उस मैनुअल केबिल हम DB15 पिन और DB9 पिन के ज़रिए हम आराम से बना सकते हैं इस पिन के ज़रिए। और ये दो पिन के ज़रिए हम ये केबल पूरा बनाएंगे। और बनाने के बाद इसका डायग्राम मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे दूंगा इस स्क्रीन में। और इसके बाद हम इसमें से अपलोड एंड डाउनलोड करके देखेंगे प्रोग्राम किस तरीके से होता है। स्टे ट्यून विद अस। सब्सक्राइब करें ऑटोमेशन स्पॉट को और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें। प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। वेल फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने इसको ट्रांसफ़र मोड में लाना है। इस HMI को ऑन करके देखते हैं हम क्या रिज़ल्ट आता है। इसको सबसे पहले हम ऑन कर लेते हैं और ऑन करने के बाद इसको चेक करेंगे। ये मैंने इसको ऑन कर लिया है और ऑन करने के बाद ये इसमें जो ऑलरेडी प्रोग्राम पहले से मौजूद है वो इसमें रन हो रहा है। और ये एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि ये PLC के साथ कम्युनिकेशन नहीं है और ये कम्युनिकेशन मांग रहा है। अब हम इसको ट्रांसफ़र मोड में किस तरीके से लाएंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसको अगेन पावर ऑफ कर लेते हैं और ऑफ करने के बाद ट्रांसफ़र मोड में लाने के लिए हमने सबसे पहले इसमें स्केप और अप ये दो बटन को प्रेस करके रखना है। और प्रेस करने के बाद हम पावर को ऑन करेंगे और ऑन जैसे ही करेंगे ये ट्रांसफ़र मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रेडी फॉर ट्रांसफ़र। मेरे लैपटॉप में RS232 नहीं होने की वजह से फिर मैं ये कन्वर्टर यूज़ कर रहा हूँ और ये कन्वर्टर मैं अपने लैपटॉप में लगाऊंगा जो कि ये इजीली आप लोगों को मिल जाएगा मार्किंग और ये सपोर्टेड है। इसको मैं एज ए USB टू RS232 यूज़ करूँगा। ये मैं अपने लैपटॉप में लगा लेता हूँ। USB को अपने लैपटॉप में मैंने कनेक्ट कर लिया और कनेक्ट करने के बाद ये RS232 में मैं मैनुअल केबल यूज़ करूँगा कनेक्ट करने। ये DB9 पिन ये हमारे ये RS232 में यूज़ हो जाएगा। ये लग गया और लगने के बाद ये DB19 पिन ने HMI में कनेक्ट कर देंगे ये IF2 में। DB15 पिन को मैंने IF2 में यूज़ कर लिया और यूज़ करने के बाद कनेक्ट हो गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने RS232 में ये DB9 पिन कनेक्ट किया है और DB15 पिन ये HMI के IF2 पिन में यूज़ हुआ है। और उसके बाद हम अपने लैपटॉप में ProSafe ओपन करते हैं सॉफ्टवेयर। इसको रिस्टोर करेंगे सबसे पहले प्रोग्राम जो इसके अंदर मौजूद है। सबसे पहले मैं HMI के लिए ProSafe को ओपन करता हूँ।
ये ओपन हो गया और यहाँ पर हम आ जाएंगे कॉम पोर्ट, ये कनेक्ट है ऑलरेडी, और ब्रॉडबैंड 9600। सबसे पहले हमें रिस्टोर करना है बैकअप, बैकअप में जाना है और इसको बैकअप अपने HMI के लैपटॉप में बैकअप, पहले इसके अंदर जो प्रोग्राम मौजूद है उसको एज अ बैकअप अपने लैपटॉप में सेव करेंगे। स्टार्ट बैकअप में मैं क्लिक करता हूँ और ये आप देख सकते हैं कि ये फैचिंग स्टार्ट कर दिया और डेटा ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया, और इसके साथ ही ये हमें स्क्रीन में भी शो करेगा। ये हमें स्क्रीन में भी शो करेगा रेडी फॉर ट्रांसफ़र, और ये डेटा यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है। इसमें तकरीबन 5 से 6 मिनट लगता है ये जब रिस्टोर बैकअप कम्प्लीटली लैपटॉप के अंदर हमारे पास आ जाएगा, तो फिर हम यहाँ पर रिस्टोर करेंगे रीसेट करके HMI। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ आ जाएगा, दी कमांड वॉज सक्सेसफुल। इट्स मीन कि HMI के अंदर जो OP17 के अंदर जो भी हमारा प्रोग्राम है वो हमारे लैपटॉप के अंदर आ चुका है, यानी सेव हो चुका है। और ये आप देख सकते हैं ये ओके कर दूंगा मैं इसको, और ओके करने के बाद मैं इसको डेस्कटॉप में ये बैकअप सेव हो गया हमारे पास। अब हम चलेंगे दोबारा अगेन अपने सिमेटिक OP17 के पास और उसको रीसेट करेंगे, और रीसेट करने के बाद अगेन ये बैकअप उसमें अपलोड करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स अब इसको हमें रीसेट करना है, रीसेट कैसे करेंगे, रीसेट के लिए सबसे पहले मैं इसको पावर ऑफ कर लेता हूँ, और ये जैसे ही पावर ऑफ हो जाएगा फिर मैं बताऊंगा आपको कि रीसेट किस तरीके से करते हैं। रीसेट के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले स्केप राइट, स्केप राइट एंड देन डाउन, तीनों बटन को प्रेस करके रखेंगे और फिर हम पावर को ऑन करेंगे। अब ये देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि इरेज फ्लैश, इट्स मीन कि ये रीसेट हो चुका है और दोबारा हम इसको ऑफ कर लेते हैं और इसको ऑन करके देखते हैं इसमें प्रोग्राम है या नहीं। सो फ्रेंड्स में जो बैकअप था प्रोग्राम वो प्रोग्राम अब इसमें शो नहीं हो रहा, अब ये कह रहा है कि आप इसमें बैकअप अपलोड करें। सो हमें बैकअप को दोबारा इसमें रिस्टोर करना है, इसके लिए सबसे पहले हम रिस्टोर में जाते हैं, और रिस्टोर में जाने के बाद ये हमारे पास डेस्कटॉप में ही मौजूद है HMI बैकअप के नाम से, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये स्टार्ट रिस्टोर में क्लिक कर देंगे, जैसे ही हम रिस्टोर करेंगे ये क्लिक करने के बाद स्टार्ट रिस्टोर ये डेटा ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया। ये तकरीबन 5 से 10 मिनट लेता है ये पूरा रिस्टोर होने में, फिर उसके बाद हम वीडियो को पॉज कर लेते हैं, और पॉज करके जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स ये अभी तक ये इन प्रोग्रेस में है, और प्रोग्रेस होने की वजह से ये तकरीबन ऑलमोस्ट ये 10 टू
5 to 10 मिनट्स लेगा ये पूरा कम्प्लीटली रिस्टोर होने में। जब ये रिस्टोर हो जाएगा तो उसके बाद हम HMI को देखेंगे कि ये बैकअप वहाँ पर रिस्टोर होता है या नहीं होता है। स्टे ट्यून विद अस। सो फ्रेंड, ये आफ्टर 5 to 10 मिनट ये हमारा प्रोग्राम रिस्टोर हो चुका है, HMI में आ गए और हम HMI को दिखा देख सकते हैं। HMI की तरफ आते हैं तो देखते हैं यहाँ पर अगेन हमारे पास कम्युनिकेशन का रहा है, इट्स मीन कि हमारा रिस्टोर हो चुका है बैकअप इसमें। तो ये था हमारा आज का वीडियो फ्रेंड्स अबाउट सीमेंस सीमैटिक OP17 में हम बैकअप कैसे निकालते हैं और रिस्टोर किस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।